सुखी जी बड़ी सुंदर लाइन दहलन अपने मन मिजाज से कौनो नाचे वाली अपना मालिक से कहे जो हम सटवा करौले रहे का कहे कबो बेली कबो पाप तू नचवला पैसा सधवला हो कबो बेली कबो पॉप तू नचवला कबो सोटा के पैसा सधवला कनी दया करा एहे अबला पे वही चाई पवाल तोरा भगला पे काहे पाड़े खिस्तिया ते है पगला पे चल ठुमका चल ठुमका लगाओ अब तबला पे क्या बात है साथियों मैं भी रहा हूं भोजपुरी लोकगीत गायिका सुषमा भारती आप सभी बिरहा के प्रेमी बिरहा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूं। आज बिरहा रिकॉर्डिंग हो रही है जवाहर फिल्म स्टूडियो रसड़ा बलिया जिनके निर्माता हैं कमलेश यादव जी और साथ ही रिकॉर्डिंग्स पर जितेंद्र जानू जी और बिरहा के शानदार कलाकार बैठे हैं आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी और हमारे गुरु आदरणीय कवि सुबेदार यादव जी। साथियों तमाम प्रकार की घटनाएं बिरहा और गूगल यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को सुनने को मिला। कहीं ज्योति और आलोक मौर्य का प्रकरण तो कहीं केहू के ऊपर केहू पेशाब कर देत बा, लेकिन हम जवन घटना सुनावे जा रहल बानी ई पाकिस्तान में प्यार भइल, नेपाल में शादी भइल और हिंदुस्तान में दुल्हन आइल। ई अपने आप में एगो विचित्र घटना बा, लेकिन भूमिका के लाइन में कहना बा जरा आप लोग गौर करेंगे कैसे कि प्यार राधा किया प्यार मीरा किया प्यार में लैला मजनू अमर हो गए प्यार सागर से गहरा है कहते सभी प्यार में खोके सुधी
बेखबर हो गए। प्यार नजरों से होता जमाना कहे, अब तो बिन देखे ही प्यार हो जाता है। प्यार अंधा भी है और खुदा प्यार भी। प्यार पा प्यार में प्यार खो जाता है। प्यार अंधा भी है और खुदा प्यार भी। प्यार पा प्यार में प्यार खो जाता है। बिरहा में गजल का अंदाज बा मास्टर कैसे? ये बिल्कुल नई गजल बा और किसी आशिक माशुका की बात है। कोई माशुका अपने गहरे जख्म को लेकर बेवफा आशिक से कहती है क्या कि अपनी अना के साथ अकेली रही हूं मैं, दरिया के पास रह के भी प्यासी रही हूं मैं। जिसको चाहती थी दिलो जान की तरह, उससे मिले बगैर भी जिंदा रही हूं मैं। कहना बा मोहब्बत के हंसी ओ पल, मोहब्बत के हंसी ओ पल सुहाने याद आते हैं। क्या बात है, मोहब्बत के हंसियों पर सुहाने याद आते हैं। हुए थे इश्क में हम तुम, हुए थे इश्क में हम तुम दीवाने याद। लेकिन कितना सुंदर कवि जी भाव निकले हम जरा आप लोग गौर करेंगे। जवा हसरत मोहब्बत की, जवा हसरत मोहब्बत की जमाना याद करता है। जवा हसरत मोहब्बत की जमाना याद करता है। मोहब्बत में सदा सीरत, मोहब्बत में सदा सीरत दीवाना याद।
यही से कहानी का शुरुआत बा, शहर के लाइन में कहना बा। प्यार जब कर लिया तो प्यार निभाना सीखो, प्यार के वास्ते सब कुछ तो लुटाना सीखो। शहर कराची जो कि पाकिस्तान अंदर है, वहीं से खिल उठा एक प्यार का समंदर है। सीमा हैदर कराची शहर के वासी थी, खेल कर पबजी अपनी काटती उदासी थी। सचिन मीणा से पबजी खेल में व्यवहार हुआ, सचिन मीणा से पबजी खेल में व्यवहार हुआ। खेलते खेलते दोनों में गहरा प्यार हुआ, खेलते खेलते दोनों में गहरा प्यार हुआ। ए भैया, यही से ये बिरहा के कहानी का शुरुआत भई कि पाकिस्तान में कराची शहर कर रहे वाली सीमा, उम्र 27 वर्ष, जिनके पति का नाम हैदर, जेकरे पास 4 बच्चा, हैदर पति दुबई में ड्यूटी करत रहलन। घर पर सीमा पत्नी बच्चों के साथ रहती थी। अब खाली समय में सीमा के पबजी खेलने का लौत लग गई और पबजी के खेल में ही एक दिन भारत के नोएडा शहर कर रहे वाला सचिन से संपर्क हो गई। अब दोनों में पबजी के खेलत खेलत में दोस्ती भइल, आई दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही न चलल। अब व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए टाइपिंग, चैटिंग यानी वीडियो कॉल पर घंटों बातें हुआ करती थी। एक दिन सीमा फोन पर सचिन से एगो बात कहे, का कहे तर्ज बदल गई। क्या बात है, तर्जू है बा, कोनो मन चली हसीना के अपने हुस्न पर बड़ा गुमान रहे। आ धनंजय सन लैकन के जोर ना तो एगो बात कहे, का कहे हमर कमरिए बाबू करोड़ी बाहो, भाई कितना लोगन के कम जोड़ी बाहो, करलू गुमन हो कमरिया पे भाला चली। लेकिन सीमा सचिन से एगो बात कहे, का कहे हमर तोहरे बदली दीवाना बाहो, सचिन कहलक सीमा
तुहके पता हो न कि भारत पाकिस्तान में 36 का आंकड़ा है, ओहू में हम हिंदू और तू मुसलमान। अगर हम तोहरे यहाँ आ गईली तब पाकिस्तान वाले हमके जिंदा ना छोड़ी हन, लेकिन आगे का कहत बा तनी सुनी। हम तो तुहार तू तो भैलू हमार हो, लेकिन तो सरहद पा प्यार में दीवार हो। तब सीमा कहे ऐसे जियले से अच्छा मौत ये भली, ऐसे जियले से अच्छा मौत ये भली। तो गोरी कोराना गोरी कोराना गोरी कोराना मन में विचार हो कराची में गोली चली। सब देर रात तक बतियौला के बाद दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर सवेर का फोन पर दोनों वीडियो कॉल पर बात कैलन। सचिन सीमा से अपने प्यार के बारे में बतावे लगलन, तब भइल का तर्ज बदल गई। कौनो नई नवेली दुल्हन का सपना माटी हो गई पहली रात में। ए धनंजय जी तो अपन दुख रोवतिया का कहे, सुखले कटल रत गर दौड़ना मंजोगे ए शांखी मर्द मिलना। सुंदर कवि जी लिखले हो जरा गौर करल जाई। सोचते बीतल रात निधियो लगलना, पियावा से कब हमार सपना सजलना। दर्द बतावत हुआ। एक बात और कहे सीमा, दुबई रहे लाओ से लेब हम तलाक हो। सत्ता
22 बरस में सब ख्वाब कैला खांग हो। बरस में सब ख्वाब कैले खाक हो, नहीं दिल के दर्द पहचाने, हो नहीं दिल के दर्द पहचाने। सचिन से कि सचिन अब मैं पूरी तरह से तुम्हारी होना चाहती हूँ, तुम्हारे प्यार में मैं अपने पति को तलाक दे दूंगी, बोलो तुम्हारी क्या रजामंदी है। तब सचिन कहला कि तो फिर छोड़कर सब कुछ आ जाओ मेरे पास, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही बेचैन हूँ जितनी कि तुम बेचैन हो। बाबूजी दूसरे दिन से सीमा वीजा बनवावे के चक्कर में पड़ गई भारत के लिए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के खराब संबंध होने के नाते उसे भारत का वीजा नहीं मिला। तब वह भारत का वीजा न लेकर सोचने लगी कि नेपाल के रास्ते से ही हिंदुस्तान जाया जा सकता है, तो कैला का तर्ज बदल गई। मास्टर तर्ज बजा रहलन कोनो में हरा रुक मरद, जब कई साल के बाद विदेश से आई तब मैं हरारू से एगो बात कहे, का कहे छीटा जवान के उड़े दाहो, मनवा से मनवा के जुड़े दाहो, छीटा जवान के उड़े दाहो, मनवा से मनवा के जुड़े दाहो, आवा सुती जचा दरिया तानी के मेहरारू कहे टूटी जाही राजा जी, टूटी जाही राजा जी पलंग सागवान, सचिन और सीमा का मन जब एक बात भी एक बा दिल का फीलिंग्स एक बा तब भइल का मनवा से मन जब जुड़ल बाहो, एक दिन कराची से उड़ल बाहो, सचिन करे काठमांडू इंतजार के यार के इंतजार के, आई जाए राजा जी सीमा कहे, आई जाए राजा करा सपना साकार के, गए दोनों साथ में
पशुपतिनाथ में अरे गए दोनों साथ में पशुपतिनाथ में सधिया रचा लिहल दिवस संग साथ बिता लिहल जिगर के प्यास बुझा लिहल गाड़ी प्यार वाली धैले रफ्तार के यार के रफ्तार के आई जाए राजा जी हे आई जाए राजा कर सपना साकार के ए भैया सीमा के नेपाल पहुंचने से पहले ही इधर सचिन भी नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और दोनों वहीं मिले और एक होटल बुक किए और दूसरे दिन काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर जो हिंदुओं का बहुत ही मशहूर धार्मिक स्थान है उसी मंदिर में दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लिए और उसी नेपाल में 7 दिन तक रहकर मौज मस्ती किए घूमे टहले फिर 7वें दिन सीमा जब पाकिस्तान जाने लगी तो दोनों की आंखों में आंसू थे। सचिन कहा सीमा से कि सीमा मैं अब तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, एक काम करो कि जाओ और अपने चारों बच्चों को लेकर वापस इंडिया चले जाओ। बाहर प्रेमी प्रेमिका के तो अपने बा ओकरे चारों बच्चन के भी अपना लिहास यह होला सच्चा प्यार। बाबूजी सीमा नम आंखों से पाकिस्तान चली गई और वीजा बनवाने लगी लेकिन भारत का वीजा फिर नहीं मिला तो क्या करती है अपनी कुछ जमीन थी उसे 12 लाख में बेचकर और अपने चारों बच्चों और अपना टिकट कटा कर फिर नेपाल आती है। तो हुआ क्या तेरी के भाव में कहना बा कि अरे सीमा सीमा से पार हो गई हो सीमा सीमा से पार हो गई पीजा मिला नहीं मन करती चली विचार करती चली विचार सीमा सीमा से पार हो गई। साथियों सीमा अपने चारों बच्चों को और अपने नेपाल चली जाती है और नेपाल आकर सचिन के बताए हुए पते पर दिल्ली में सचिन के घर नोएडा पहुंचती है। तब भैल का यहां पहपट के लाइन में कहना बा कि अरे पता लगावत सचिन के घर आईली वादा कैली हो अरे पता लगावत सचिन के घर आईली वादा कैली हो अजिए मरे के साथ में क्रिया खैली वादा कैली हो बाबू पता लगावत सीमा अपने चारों बच्चों को लेकर सचिन के घर पहुंच जाती है और जाए के सचिन से कहलस कि अब हम तोहरे बिना जीना पाई तोहरे बिना रहना पाई। आए बाबू जब ये खबर आस पड़ोस का लोग सुनलन तो देखिए करते क्या है थी ये खबर तब गांव के लोगवा पुलिस गई है आई हो अब पाकिस्तानी जासूस समझ कर थाने चले लियाई हो कहे सचिन ना अखिया धोखा खैली वादा कैली हो
अरे कहे सचिन ना अखिया धोखा खैली वादा कैली हो अलांग के सरहद प्यार में पागल भैली वादा कैली हो बाबू एक खबर के पाए के सचिन के दरवाजे पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस वाले सोचे लगलन कि ये तो बिना वीजा का आई है ए पाकिस्तानी जासूस भी हो सकती है। तो पुलिस वाले क्या किए कि सीमा के चारों बच्चों और सचिन सीमा को पकड़कर जेल भेज देते हैं। तब सचिन कहे लगल कि साहब मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, सीमा जासूस नहीं है, अरे ये तो मेरे प्यार में पागल होकर पाकिस्तान से यहाँ चली आई और अपन सीमा से मोबाइल पर वीडियो कॉल व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक के जरिए जितना टाइपिंग चैटिंग भइल रहल कुल डिटेल बतावे लगल। पुलिस वालों को जब सारा डिटेल दिखाया तो हुआ क्या, आल्हा में प्रमाण मिला। कि हाय राम दुई चार दिन वोही जेलिए में बितावले भैया लिहला जमानत करावाय परिवार मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्मया पनवली भैया पाकिस्तान जाए से कार लीन कार हाथ जोरी जोगी जी से कैली तब यरजिया भैया परिवार के लोग चारों बच्चों का और सीमा सचिन का जमानत करौलन, सब घरे अइलन, परिवार का लोग सीमा के अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लिए और मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाकर सचिन के घर में सीमा सचिन की पत्नी बनकर रह रही है। एक खबर के जब मीडिया के पता चलल, यूट्यूब चैनल फेसबुक वालन के पता चलल तो तमाम मीडिया वाले पहुंच गए उनके दरवाजे पर और जाके पूछे लगलन। तब सीमा का एक ही जवाब रहल कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास सीमा ने एक अर्जी दिया है कि साहब मैं हिंदुस्तान की बहू बनकर रहना चाहती हूँ और मुझे हिंदुस्तान की नागरिकता प्रदान की जाए। अब आगे देखिए होता है क्या। तो इतरहल दुई देश के प्रेमी प्रेमिका का कहानी और एकरे पहले यही कहानी से सेम मिलत जुलत ज्योति और आलोक का कहानी रहल। जौन एक कहानी में ज्योति के पूरा देश पूरा जमाना बुरा कह रहल बा और सीमा के सब अच्छा बता रहल बा। तो हम न केहू के अच्छा कहब आ न केहू के बुरा कहब, लेकिन दोनों कहानी के सुनला के बाद ए समाज से ए बिरहा सुने वाले भाई लोगन से हमारे एगो प्रश्न बा। कवन प्रश्न बा, खड़ी की लाइन में कहना बा। एक गुनाह पर कैसे दुई विचार रही है, अरे एक गुनाह पर कैसे दुई विचार रही है। तसीमा वफादार ज्योति काहे गद्दार हुई है।
प्रश्न बा कि एक गुनाह पर कैसे दुई विचार रही हैं, सीमा वफादार ज्योति काहे गद्दार हुई हैं। बस हमारे समाज से इतना कहना बा कि दोनों ने शादीशुदा और बच्चों वाली होने के बाद भी अपने पति को धोखा दिया है, तो अगर सही है तो दोनों सही हैं और गलत है तो दोनों गलत हैं। हमें किसी को अच्छा किसी को बुरा कहने का कोई हक नहीं है। इसलिए अगली लाइन में कहना बाका कि अरे सब ही के खातिर ई कानून बा बराबर, एक का अनादर का है दूसरा का आदर। हमारे इस समाज में शिक्षित समाज के लोग भी हैं और इस शब्द पर गौर करेंगे। बिरहा यही विराम लेती है, लास्ट लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश कहे तोड़ो गलत रिवाज, आ कवि चंद्रिका रामदेव अब लाओ नया समाज। हो गई हो सीमा सीमा से पार हो गई, तो सुषमा सूबेदार सच कहते हैं ललकार। सीमा सीमा